सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज होस्ट एंड दोस्त अंकित देसाई के एलरोकर। तो कैसे है एलरोकर आर्मी? आई होप सब बढ़िया ही होंगे और सब मजे में ही होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आजकल? सब मजे में। कैसे लगी अपनी बाइक अपनी बाइक उसका नामकरण करने का है। अपना सब्सक्राइबर जो है वो उसका नाम रखने वाला है अपनी नई वर्सेस 1000 का। तो आप अगले वीडियो में बने रहिए उसको जानने के लिए कौन है वो मेरा सब्सक्राइबर जो मेरे को हमेशा सपोर्ट कर रहा है। तो वही रखेंगे अपनी बाइक का नाम बस। तो आज है फैमिली डे, मेरी छुट्टी है। अभी नेहा और मानांक आ जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे घूमने। शायद थंबनेल में भी आ जाएगा, भाट करके जगह है पावागढ़ के पास। तो उन लोगों को गाड़ी में मैं घुमाने ले जा रहा हूँ वहाँ पे। निकल गए घर से बात जाने के लिए और ये रहे नेहा और मानंग अपने साथ है और बाकी कुछ नहीं। देखो जा रहे, आधे रास्ते पहुंच गए, आधा रास्ता बाकी है। पावागढ़ से थोड़ा आगे आएगा बात, पावागढ़ वाले रास्ते से ही जाना है। मैंने जैसे पहले भी किया हुआ है, अपनी Z1000 थी उसके ऊपर अपनों ने उसके ऊपर ऑफ रोडिंग की है। आज अपनी फोर्ड के साथ ऑफ रोडिंग करेंगे एक स्पोर्ट्स के साथ। देखते हैं कि सक्सेस होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और वहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ही अच्छी होगी। तो सोचा कि इन लोगों को वहाँ घुमा के आता हूँ और एक दो रील बनाएंगे वो वाली वैसी वाली ड्रोन वाली उसके लिए इतना लंबा जा रहे हैं हम लोग। ड्रोन की रील नेहा को बनाने का बड़ा मन था इसलिए। सबको पता है रील्स कौन ज्यादा डालता है। एक सीक्रेट बता, नेहा के फोन में रील आती नहीं है इसलिए, नहीं तो मेरे से ज्यादा रील रखे मुझे पता है। तो ये रही सर्वोत्तम, ये लस्सी के लिए फेवरेट है, स्पेशल जगह है जहाँ पे लस्सी अच्छी मिलती है। तो हम लोग भी रुके थे एक छोटा सा ब्रेक, लस्सी वस्सी ले लिया, पैक कर लिया, वहाँ पे शांति से बैठ के पी। तो ये आ गया है शिवराजपुर, यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो अपनी डेस्टिनेशन के लिए मुड़ने का आएगा। और यहाँ से एक और डेस्टिनेशन है, वो भी मैं रास्ता दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो लेफ्ट लोगे ये रहा, ये बस स्टॉप के ऊपर लिखा है हथनी माता। तो यहाँ से हथनी माता का बोर्ड आता है, वहाँ से अंदर जाओगे तो वाटरफॉल तक जाओगे हथनी माता। और अपने को यहाँ से थोड़ा सा सीधा जाना है और अपनी डेस्टिनेशन आएगी राइट साइड से, मुड़ना है अपने को राइट साइड से। ये शिवराजपुर खत्म हो जाएगा यहाँ पे, याद रख सकते हो ये वाला कलश वाला टेम्पल, ये रहा। यहाँ से आगे थोड़ा जाएंगे तो राइट आएगा, तो ये रहा बोर्ड आएगा भाट का और ये रहा इको टूरिज्म भाट स्वागत कर रहा है। अपने को जाना है अंदर यहाँ से, ये वाले गेट से। और ये देखो हम लोग जंगल में आ चुके हैं, ये रास्ता है जंगल में जाने का। इससे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग आएंगे अपने रास्ते में। होप कि अपनी गाड़ी पहुंच जाए ऊपर तक, नहीं पहुंचेगी तो आधे रास्ते ना पड़ेगा। आगे जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे, कुछ तो एंट्री फी है मैंने ऐसा देखा था। देखते आगे पहुंचते ही एंट्री फी हो और जाने देते हैं कि नहीं जाने देते वो देखना पड़ेगा। बट आप देख सकते हो पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया है, अभी जंगलों के अंदर हम जा रहे हैं। इसमें कैमरे में जितना उजाला दिख रहा है एक्चुअली में है नहीं उतना उजाला पूरा अंधेरा अंधेरा है भाई, बहुत स्पूकी सा रास्ता है। कह नहीं सकते कहाँ से कोई जानवर आ जाए, बाकी पूरा जंगल जंगल है। और अपनी फोर्ड काफी अच्छा जस्टिस कर रही है, वैसे 4x4 है नहीं फिर भी अच्छे से चल रही है, बहुत ऑफ रोडिंग है। Smoke, then yeah, it's no jokes, boy, it's up. In the end zone, that's a TD, we finessing chub. Filling up the stashies and ain't knowing that's a plus. Back to back, I like plays, all my moves is tough. Watch them all die out, I've been killing with my looks. Feeling like a pro, I've been schooling all these rugs. They be betting all us, calling plays out the books. Little bit of prayer, hard work, that's all it took. All I want, all I want. W's and bankrolls, that's all I want. All I want, that's all I want.
W's and bang rolls. That's all I want. All I want is money, power, respect, though. Can I take our foot up off they necks? No. ISO the door, yeah, we next, bro. ये अभी हम लोग बादलों में आ गए हैं। आप देखो वहाँ पे पूरा बड़ा पहाड़ चढ़ लिया अपने कार के ऊपर। पता नहीं कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा कैमरे में, पर बादल दिख रहे हैं हमको तो ओस जैसा हो गया और बहुत खतरनाक ऑफ रोड था। मेरी तो फट गई एक बार के, गाड़ी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। अभी चढ़ा तो दिए उतारने के टाइम पे, ब्रेक लगे तो ठीक है और मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया है कि कोई प्रॉब्लम ना हो और अपनी गाड़ी फंसे नहीं। बाकी माना मजा आ रहा है तेरे को? हाँ। कितना मजा आ रहा है ऑफ रोडिंग करने में? ये पानी है। हाँ। अरे देखो रोड ही नहीं है, ओनली ऑफ रोड, ऑफ रोड। और भाई 4x4 से कम नहीं है हमारी फोर्ड इको स्पॉट। क्या बोलता है मानो, सही बात है? हाँ। मैं हूँ ऊपर चढ़ के पूरा 360 दिखा। मैं भी अपनी सीट पे से उछल कूद कर रहा हूँ, हाथ तो लगता है गाड़ी खराब होने वाली है। डर लागे वो रास्तों से मनु, जो डर लागे पिक्चर के शूटिंग में जा रहे को ऐसा लग रहा है। देखो बादल ऐसा धुंध वाला डिफरेंट कलर वेज दिस अनदर वन हर दे वांट टू टॉक लेट मी स्टफ माय ब्लड या इफ दे वांट टू स्मोक देन यस नो जोक्स बॉय इट्स अप इन द एंड जोन दैट्स अ टीडी वी फिनेसिंग चा फिलिंग अप द स्टैशीज एंड दे नोइंग दैट्स अ प्लस बैक टू बैक आई लाइक प्लेस ऑन माय मूव्स इज टफ वॉच योर मॉ डाई आउट आई बीन किलिंग विद माय लक्स। वहां पे वॉच टावर है, अब यहां पे से स्टीप क्लाइंब है। वैसे तो लोग लिख के नहीं जाते गाड़ी वहां तक, पर मैं सोच रहा हूँ कि आज ऑफ रोडिंग किया है तो कर ही डालता हूँ। नेहा आप लोगों को ऊपर चढ़ी हुई है सनरूफ में से, वो लेगी वीडियो, अभी आप एंजॉय करो। Filling up the stashies and ain't knowing that's a plus. Back to back, I like plays, but my moves is tough. Watch them all die out, I've been killing with my lugs. Feeling like a pro, I've been schooling all these rugs. They be betting all us, calling plays out the books. Little bit of prayer, hard work, that's all it took. All I want W's and bankrolls, that's all I want. All I want, that's all I want. W's and bankrolls, that's all I want. Hey. Finally, हम लोग ऑफ रोडिंग करते करते यहाँ पे पहुंच गए। अपनी फोर्ड ने क्या मस्त परफॉर्मेंस दी है, मजा आ गया। मैं तो बहुत खुश हुई। अभी स्टीप क्लाइंब था, देखो नीचे से आया हम लोग, वो भी चढ़ा दिया। और ये रही अपनी प्यारी फोर्ड इको स्पॉट, क्या गाड़ी है, मजा आ गया। देखो भाई मेरे हिसाब से फोर्ड का इंडिया में प्रोडक्शन बंद करने का एक ही रीज़न है, बिकॉज ऑफ मारुति एंड हुंडई जैसी सस्ती कारें जो एवरेज के लिए, मैं समझ सकता हूँ सबका ओपिनियन अलग 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 होगा, बट वो एवरेज देने के लिए गाड़ी की क्वालिटी बहुत ही गंदी कर देते हैं और एवरेज उनकी गाड़ियाँ ज़्यादा देती है बिकॉज लो क्वालिटी होती है। क्योंकि जो सुजुकी और हुंडई की गाड़ियाँ होती है वो बिल्ड क्वालिटी में लो होती है, तो एक्सीडेंट होने पे जान जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि इसके अंदर जान जाने के चांसेस कम होते हैं। बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी है, जिसको जो लगता है वो गाड़ी खरीद सकता है। बट मेरे हिसाब से फोर्ड का इंडिया से जाने का यही रीज़न है, बिकॉज उनका सेल उतना नहीं हो रहा था। बस बाकी ये गाड़ी की क्वालिटी देखो, विदाउट 4x4 यहाँ तक आई है और यहाँ पे पूरा एटमोसफियर देखो आप मेरे पीछे, ब्यूटीफुल। और ये है वॉच टावर, पूरा व्यू। ये पूरी पहाड़ी है, यहाँ से पूरे पहाड़ दिखते हैं। आप मेरे ऑफ रोडिंग वाले वीडियो देखोगे Z1000 के ऊपर के तो आपको पता चलेगा। पर अभी क्या है कि पूरा बादलों वाला एटमोसफियर है, उसकी वजह से पूरा देखो आप नैनीताल में आ गए हो ऐसा लग रहा है। वाह नेहा कैसी लगी जगह?
मानो नेचर ये देखो सब पानी पानी है, क्या व्यू है। देखो मेरे पीछे थोड़े बादल क्लियर हो गए, आपको पूरा घाटी का व्यू दिखाई दे रहा होगा, पूरा क्लियर 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 हो गया। प्यारे प्यारे पंछी जा रहे हैं, इधर भी देखो थोड़ा सा क्लियर हो गया, अभी इधर से भी व्यू आ रहा है। सडनली इन 5 मिनट्स ओनली अभी हम ऊपर आए और 5 मिनट में पूरा नीचे भी क्लियर हो गया। देखो पूरे बादल जा रहे, कहीं और बारिश गिराने जा रहे लग रहा है नेहू। वॉच टावर यहाँ से पूरे पहले 5 मिनट पहले पूरा बादल बादल था पूरे जगह पे, अभी देखो पूरा क्लियर हो गया। ये देखो पूरे बादल जा रहे इस तरफ की ओर जा रहे पूरे बादल, भाई वर्थ हो गया तो आना, मजा आ गया। ये देखो पूरा, और उस तरफ तो कहीं तो वॉच टावर है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, ऊपर से ही दिखता है, कहाँ से दिखता है कि नहीं दिखता है। वैसे तो दिखता है वहाँ पे एक छोटा सा, पर जंगल ज़्यादा हो गया उसकी वजह से भी नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, वहाँ पे बीच में है वहाँ पे। तो मैंने जैसे बोला था यहाँ पे एक सामने वॉच टावर है, अभी पूरा बादल बादल हट गए तो दिखाई दे रहा है, तो आपको मैं वो दिखाता हूँ वॉच टावर, वो रहा वाइट कलर का जो दिख रहा है वो वॉच टावर है। और ये लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने रुके हुए और फोर्ड अपने पीछे है, अभी जाएंगे और ऑफ रोडिंग का और मज़ा लेंगे और घर जाएंगे। मेरे को तो पता नहीं क्यों बहुत पसीना हो रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है यहाँ पे बादलों में, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गया है ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो यहाँ से फटाफट निकलते, नेहा का थोड़ा ख़त्म हो जाए फोटोग्राफी तो निकलते हैं।